सरकार से हम चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था बने जिससे कि 3 दिन के अंदर पूरे इंडिया का परीक्षा हो सके। आईटीआई वालों के साथ मजाक किया जा रहा है, उनके पास व्यवस्था है नहीं, फिर भी जिद धरे हुए कि हम ऑनलाइन एग्जाम करवाएंगे। अभी पूरे 1.5 साल से हम लोग एग्जाम दे रहे हैं ऑनलाइन और अब 50% भी एग्जाम नहीं हो पाया। दोनों एग्जाम मिलाया जाए तो 5 लाख बच्चों को आप 5 साल भी एग्जाम दिलाएगा ना ऑनलाइन, तब भी नहीं पूरा होगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप देख रहे लाइव सीरीज। मैं मौजूद हूं गर्दनी बाग धरना स्थल पे और आप यहां देख सकते हैं कि बहुत से लोग मौजूद हैं और धरना दे रहे हैं। क्यों धरना दे रहे हैं, क्या चाहिए? यहाँ पे हम लोग आईटीआई क्लब ऑफ इंडिया और बिहार प्राइवेट एसोसिएशन के संयुक्त रूप से हम लोग मिल करके धरना दे रहे हैं और यह समस्याएं हम लोग के छात्र की ओर से है कि जो छात्र आईटीआई के हैं उन छात्रों पर जबरदस्ती ऑनलाइन सीबीटी एग्जामिनेशन थोपा गया है और वह ऑनलाइन एग्जामिनेशन पूरे साल भर चल रहा है। कभी कोई कॉलेज के 2 बच्चों का एग्जाम होता है, कभी 6 बच्चे का होता है, कभी 15 बच्चों का होता है। इस तरह से 1 साल तक लगातार जो है ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जा रही हैं। ऑनलाइन परीक्षाएं 1 साल तक लगातार हो रही हैं? लगातार हो रही है। कभी 6 लड़के का किसी कॉलेज का हुआ ही नहीं, किसी कॉलेज का सेंटर जो है वो समस्तीपुर का मुजफ्फरपुर दे दिया गया, वैशाली का मुजफ्फरपुर दे दिया गया। कोविड का टाइम चल रहा है और एक जगह का सेंटर दूसरे जिला में दिया जा रहा है और कभी वो लड़के का रिजल्ट पास आ जाता है, फिर वो रिजल्ट फेल हो जाता है। ऑनलाइन की समस्या परे है, जबकि बीटेक और मेडिकल और आईएएस आईपीएस के जितने भी एग्जामिनेशन हैं वो ऑफलाइन है और पहले हम लोग का भी जो एग्जामिनेशन चल रहा था वो एग्जामिनेशन हम लोग का ओएमआर सीट से चलता था, ओएमआर सीट से हम लोग के परीक्षा सेंटर। तो अब आप चाहते क्या, आप जितने भी यहाँ मौजूद हैं आप सभी चाहते क्या है? हम लोग चाहते हैं कि सरकार सबसे पहले अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करे, क्योंकि इनके पास 8-10 कंप्यूटर है और 8-10 कंप्यूटर में 2.5 लाख बच्चों का एग्ज़ाम लेना चाहते हैं। आप अगर ये सरकार से जानना चाहें पूछिए उनसे कि पिछले नवंबर में एग्ज़ाम ऑनलाइन शुरू हुआ और अभी तक एग्ज़ाम कंटिन्यूस चल रहा है। आप पता कीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट को 3 साल से लगातार प्रमोट किया जा रहा है, एक बार भी वो लोग एग्जाम नहीं दिए। आपका कहना है कि सिस्टम कम है और लोग बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं परीक्षा देने के लिए? हमारे पास 2.5 लाख बच्चे हैं पूरे बिहार में, सिर्फ बात कर रहे हैं एक सेशन में, एक रेगुलर एग्जाम देंगे। अगर दोनों एग्जाम मिलाया जाए तो 5 लाख बच्चों को आप 5 साल भी एग्जाम दिलाएगा ना ऑनलाइन, तब भी नहीं पूरा होगा। मेरा कहने का मतलब है जैसे ऑफलाइन चलता था 2-3 दिन में सारे विद्यार्थी परीक्षा दे देते थे, महीना भर में रिजल्ट आ जाता था, आप उसी तरह करवाइए। जब आप कितना समय लग रहा है? अभी पूरे 1.5 साल से हम लोग एग्जाम दे रहे हैं ऑनलाइन और अब 50% भी एग्जाम नहीं हो पाया। 2 साल का 3 साल हो रहा है, 2 साल का सेशन चलता है वो अभी 4 साल हो रहा है और उसके बाद भी आज उसका एग्जाम है, सुबह उसका एडमिट कार्ड आता है, उसके बाद भी सेंटर पे जाने के बाद सेंटर भी कैंसिल हो जाता है, बोला आज मेरा कुछ नहीं चला, कैसे कंप्यूटर ही नहीं खोला। सेंटर दूसरे जिला में दिया जा रहा है, हम लोग का जो जिला है उससे 40-50 किलोमीटर के दूर दिया जा रहा है। आईटीआई वालों के साथ मजाक किया जा रहा है, उनके पास व्यवस्था है नहीं, फिर भी जिद धरे हुए कि हम ऑनलाइन एग्जाम करवाएंगे। भाई आपकी मतलब व्यवस्था नहीं है, उसके बाद वो लोग सोच रहे हैं कि एग्जाम करवाएंगे? ना सर्वर सही होता है उनका, ना ही पर्याप्त कंप्यूटर है और ना ही कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन है जो एग्जाम कंडक्ट करा पाए, फिर भी उनका 1.5 साल से जिद करा रखे हैं कि हम एग्जाम लेंगे और अभी तक मात्र 20% बच्चों का भी एग्जाम पूरा नहीं हुआ है। और इसके अलावा एक और समस्या क्या है कि बिहार बोर्ड का आईटीआई का मान्यता दिया गया है पर आज तक 3 साल में एक भी बच्चे का बिहार बोर्ड का आईटीआई की डिग्री सेग्रेशन एडमिशन नहीं लिखाया है, लेकिन किसी भी अधिकारी का ऐसा चिंता नहीं है। आईटीआई करना बेकार है? आईटीआई करना बेकार नहीं, वो लोग ने बेकार बना रखा है ताकि बच्चे पास करेंगे तो जो रोजगार मांगेंगे और ना बच्चा, हाँ जब बच्चा पास करेंगे ही नहीं तो रोजगार कैसे देना है उनको, इसलिए बच्चों को पास करने नहीं दे रहे हैं। चलिए आप बताइए, 16-18 का छात्र जिसको 18 में पास हो जाना चाहिए था, उसमें किसी तरह से यदि इस सेमेस्टर में फेल हो चुका है तो उसका एग्जाम अभी तक लिया नहीं गया है और लिया भी गया है। क्यों हो रहा है ऐसा? हो रहा है इसलिए कि उसके पास व्यवस्था नहीं है, चरमरा गई है, वो हठधर्मी इस तरह का हो गया है कि वो सीबीटी पे जाना चाह रही है, जबकि सीबीटी के लिए उसके पास कोई, सभी आईटीआई के लोग हैं, व्यवस्था यदि होती। चलिए आप बताइए, आप क्या सरल बनाने के लिए किया जाता है? सीबीटी को सरल बनाने के लिए किया गया था क्योंकि ओएमआर लिखित परीक्षा होती है, उसको सरल बनाने के लिए सीबीटी का परीक्षा लिया गया, लेकिन सीबीटी भी यदि 2 से 1 हफ्ते में भी समाप्त हो जाती तो माना जा सकता था, लेकिन यदि आप 10 महीने से परीक्षा ले रहे हैं फिर भी आप संतुष्ट नहीं है, 50% बच्चों का आप परीक्षा ले रहे हैं,
10 महीने आप जोड़ लीजिए, लगभग 300 दिन होता था। कहाँ आप 2-3 दिन में परीक्षा खत्म करते थे, लेकिन अभी 300 दिन लग रहा है। और सबसे भारी प्रॉब्लम यह है संस्थान में, डीजीटी में है, कि अभी तक जो बच्चा पास कर गया है 14-16 का हो वो, या 16-18 का हो, 17-19 का हो, उसका एनटीसी नहीं दिया जा रहा है। 42 बच्चे हैं तो 2 बच्चे का आ रहा है। कभी कोई लड़का पास है वो फेल हो रहा है, फेल है जो पास हो रहा है, कभी नंबर जो है, अभी 2014 से जो लड़का पास कर चुका है उनका जो है अभी तक जो है नाम में शुद्धिकरण भी नहीं हुआ है, और उसका एडमिट कार्ड जो आ रहा है अभी, ये स्टूडेंट का जो है यूजर आईडी बिना ही, कॉलेज का यूजर आईडी बिना ही लिखा रहा है। मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कौशल इंडिया, और उस कौशल के हम लोग जो संचालक हैं बड़े भाग के रूप में काम करते हैं, और उस प्रोजेक्ट को फेल करने के लिए जितने पदाधिकारी हैं दिल्ली से लेकर सब स्टेटों में वो बैठे हुए हैं। वो संचालक लोग जितने भी हैं वो क्या चाह रहे हैं सरकार से? सरकार से हम चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था बने जिससे कि 3 दिन के अंदर पूरे इंडिया का परीक्षा हो सके, और रिजल्ट 2 महीने के अंदर दिया जा सके। और ये नहीं होने के कहना है कि व्यवस्था बढ़ाए, व्यवस्था बढ़ाए, व्यवस्था नहीं है। किसी अपने एक आदमी को पकड़ करके कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है कि आप कंप्यूटर पर परीक्षा दिलाइए, पूरे 1 साल से परीक्षा दिला रहा है लोग, और परीक्षा खत्म नहीं हो पा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे व्यवस्था के बारे में? तो व्यवस्था अभी तक जो परीक्षा का जो पद्धति है वो एक तरह से लाल फीताशाही की तरह है, कि जबरदस्ती कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा पे थोप दिया गया है, जबकि संसाधन है नहीं। जिस आदमी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिस पार्टी को, उसके पास संसाधन है नहीं, तो परीक्षा में काफ़ी टाइम टेकिंग हो रहा है और लड़के परेशान हैं। तो जो पहले से वो हमारे बेस्ट परीक्षा थे वो कम टाइम में 1-2 दिन में हो जाता था। धरना प्रदर्शन आईटीआई क्लब ऑफ इंडिया और बिहार प्राइवेट आईटीआई एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है। आईटीआई के बच्चों का जो परीक्षा है संचालन हो रहा है उसके कुव्यवस्था और असफलता के विरोध में किया गया है। लेकिन पिछले 9 10 महीने से परीक्षा चल रही है, और जो 2 पेपर के एग्जामिनेशन 2 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए वो 10 महीने में भी नहीं समाप्त हो रहा है, और अभी आधा लड़का परीक्षा देने से बाकी रह गया है। तो यहाँ पे जितने भी लोग थे, आईटीआई संचालक थे, उनका क्या कहना है सरकार से वो भी आपने सुन लिया। उनका साफ कहना है कि जो परीक्षा 1-2 दिन में होनी थी वो सालों लग जा रही है, और यहाँ पे जितने लोग भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे बैठे हैं, उनका यही मांग है कि सरकार व्यवस्था बढ़ाए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो परीक्षा देने में। तो बस लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, धन्यवाद। सरकार से हम चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था बने जिससे कि 3 दिन के अंदर पूरे इंडिया का परीक्षा हो सके। आईटीआई वालों के साथ मजाक किया जा रहा है, उनके पास व्यवस्था है नहीं, फिर भी जिद धरे हुए कि हम ऑनलाइन एग्जाम करवाएंगे। अभी पूरे 1.5 साल से हम लोग एग्जाम दे रहे हैं ऑनलाइन, और अब 50% भी एग्जाम नहीं हो पाया। दोनों एग्जाम मिलाया जाए तो 5 लाख बच्चों को, आप 5 साल भी एग्जाम दिलाएगा ना ऑनलाइन, तब भी नहीं पूरा होगा।